मिसेस अंडरकवर कहानी की शुरुआत में हम कोलकाता शहर को देखते हैं। एक रेस्टोरेंट में एक लड़की प्रियंका, जो डिवोर्स लॉयर है, और एक आदमी अजय, दोनों डेट पर होते हैं। दोनों रेड वाइन ऑर्डर करते हैं और दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। जब दोनों रेस्टोरेंट से निकलते हैं तो अजय प्रियंका को घर ड्रॉप करने के लिए लिफ्ट देता है। प्रियंका उससे पूछती है कि तुमने मेरे से पहले कितने लड़कियों को ड्रॉप किया है, जिस पर अजय जवाब देता है 16 लड़कियों को। प्रियंका कहती है कि तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या, तुम्हारे पास इतना समय कैसे होता है, जिस पर अजय कहता है कि मेरा यही तो काम है, मैं लड़कियों को ड्रॉप करता हूँ। ये सुनकर प्रियंका थोड़ी सी डर जाती है। प्रियंका अब अपने घर जल्दी लौटना चाहती है। प्रियंका डरने लगती है, कहीं अजय को सीरियल किलर तो नहीं है। वो उसे कहती है कि तुम गाड़ी यहीं रोक दो, मुझे बस गाड़ी से निकलना है। वो गाड़ी को रोक देता है और ये रास्ता सुनसान होता है, और मौका देखकर वो प्रियंका को मारने लगता है। वो उसे जख्मी कर देता है और उसे मार कर रास्ते में फेंक देता है। अजय की माँ उसे कॉल करती है तो अजय अपनी माँ से कहता है कि वो एक घंटे में घर लौट रहा है। इसके बाद वो 4-5 बार प्रियंका के बॉडी से अपने गाड़ी को चढ़ाता है, यानी कि प्रियंका के बॉडी को वो कुचल देता है। अब अगली सुबह प्रियंका के मरने से पहले का एक वीडियो वायरल हो जाता है, जिसमें वो कहती है कि कॉमन मैन मुझे मारने वाला है, और वो कहती है कि मैंने एक क्लाइंट का डिवोर्स करवाया और उस हस्बैंड की जिंदगी बर्बाद हो गई, और इसीलिए मैं मरना डिजर्व करती हूँ। पुलिस हेडक्वार्टर में दो पुलिस इस केस को लेकर बात कर रहे होते हैं, और ऑफिसर बताते हैं कि किलर को पकड़ना काफ़ी डिफिकल्ट है, क्योंकि वो अपने विक्टिम्स के मोबाइल से वीडियो पोस्ट करता है। वो उस जगह मर्डर को अंजाम देता है जहां कोई कैमराज नहीं होते, और इस कॉमन मैन ने कोलकाता में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में अलग अलग जगह में कई लोगों को मारा है। वहाँ के स्टेट पुलिस से भी इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। ऑफिसर ये सोचते हैं कि आखिर ये कॉमन मैन ये करके दुनिया को दिखाना क्या चाहता है। इसके बाद हम दुर्गा नाम की एक औरत को देखते हैं, जिसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे। वो अंधेरे गली से होते हुए भागती है, लेकिन तभी अचानक से वो अपना गेटअप पूरी तरह से चेंज कर लेती है और उन गुंडों के सामने आती है जैसे कि वो कोई सुपर हीरो हो, और वो सबको धोने लगती है। तभी अचानक से वो अपने बिस्तर से गिर जाती है, यानी कि ये बस एक सपना था। दुर्गा का पति देव तंग आ चुका है ये सब चीज़ से, और उसे पूछता है क्या तुम जेम्स बॉन्ड छोड़कर कोई नॉर्मल सपना नहीं देख सकती जिसमें तुम हाउसवाइफ हो, और वो दोनों फिर से सो जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि दुर्गा एक हाउसवाइफ है और वो अपने घर का और घर पर रह रहे लोगों का बहुत ख्याल रखती है। दुर्गा के सास को भूलने की बीमारी है, वो तो ये भी भूल जाती है कि ये बूढ़ा आदमी उसका पति है। उसे लगता है कि ये बूढ़ा आदमी घर में घुसकर उसे छेड़ने की कोशिश कर रहा है। दुर्गा तंग आ चुकी है अपने लाइफ से। वो अपने बेटे जॉय को तैयार करती है स्कूल जाने के लिए, और दिन हो या रात वो अपने परिवार के लिए ही लगी रहती है। मुंबई के स्पेशल फोर्स हेडक्वार्टर में सभी बैठकर कॉमन मैन के वीडियो को देख रहे होते हैं, जिसमें वो फिल्टर लगाकर वीडियो बनाता है और उन सभी से कहता है कि आप लोग एक कॉमन मैन को पकड़ नहीं पाए, और उस वीडियो में वो एक स्पेशल एजेंट राघव को मार देता है। चीफ रंगीला काफ़ी डिसअपॉइंटेड होता है और सोचता है कि राघव उनका सबसे बेस्ट एजेंट था, वो भी मारा गया, और आज पहली बार कॉमन मैन ने लड़की का नहीं बल्कि उनके एजेंट को मारकर उसका वीडियो बनाया है। ये करके वो हमारा मजाक उठा रहा है। उन लोगों के बातों से ये पता चलता है कि कॉमन मैन सेल्फ इंडिपेंडेंट और सक्सेसफुल औरतों को ही अपना निशाना बनाता है। यहाँ ये भी पता चलता है कि कॉमन मैन एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, और ये आदमी यानी कि अजय कॉमन मैन को सिर्फ इंडिया में रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये कॉमन मैन ऑर्गेनाइजेशन पूरे दुनिया भर में फैला हुआ है। कॉमन मैन जैसे लोग आम आदमी के बीच ही रहते हैं। फिलहाल वो कोलकाता में है, इसीलिए स्पेशल फोर्स अगर उसे अभी नहीं पकड़ पाती है तो स्पेशल फोर्स को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनके सारे एजेंट्स मारे जा चुके हैं, तो कौन अंडरकवर जाकर कॉमन मैन को पकड़ेगा। अब वो अपने सारे पुराने एजेंट के रिकॉर्ड को देखते हैं, और 19 में से 18 के बारे में उन्हें पता चल जाता है कि वो अपने काम के दौरान मारे गए, लेकिन एक के बारे में उन्हें अभी तक कोई खबर नहीं मिली, और चीफ को लगता है कि वो अभी भी जिंदा होगा। जब सारे स्पेशल एजेंट के फ़ोन को ट्रैक किया जाता है तो उस जिंदा स्पेशल एजेंट का उन्हें लोकेशन मिल जाता है, जो है कोलकाता। चीफ रंगीला कोलकाता पहुंचता है और उन्हें जो घर का लोकेशन मिला है देव के नाम पर, उस पर वो नज़र रखता है। वो बालकनी पर सिर्फ दो औरतों को देखता है, एक तो दुर्गा है और एक उसकी सास। वो दुर्गा के पति देवदास को फॉलो करते हुए उसके दुकान तक जाता है और इनडायरेक्टली उससे स्पेशल फोर्स के बारे में पूछता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता। स्पेशल फोर्स का एक और ऑफिसर प्रबल को पुराने रिकॉर्ड से कुछ मिलता है, लेकिन उस पर एक आदमी जीत बंदूक तान देता है। वो भी स्पेशल फोर्स का एजेंट है, लेकिन वो धोखेबाज निकला और वो प्रबल से फाइल मांग लेता है, लेकिन तभी जीत पर प्रबल की पार्टनर काजल गोली मार देती है,
और दोनों जल्दी से अपने चीफ को फ़ोन करके बता देते हैं कि वो जिस एजेंट को ढूंढ रहे थे वो देवदास नहीं बल्कि उसकी पत्नी दुर्गा है। ये सुनकर वो भी चौंक जाता है। इसके बाद रंगीला और प्रबल दुर्गा पर नज़र रखते हैं। दुर्गा जब अपने घर के बाहर साफ सफाई कर रही होती है तो वो पानी के वजह से गिर जाती है। प्रबल को लगता है ये औरत खुद को नहीं संभाल पा रही तो ये मिशन कैसे संभालेगी। रंगीला उसे कहता है कि एजेंट भी तो इंसान ही होते हैं, सुपर हीरो थोड़ी। ये जिंदा इसीलिए है क्योंकि इसका कवर बहुत सिंपल है, ये हाउसवाइफ है, इस औरत के ऊपर कोई भी शक नहीं करेगा। अगले दिन जब दुर्गा मंदिर जाती है तो चीफ रंगीला जो पंडित के भेष में है वो अजीब अजीब इशारे करके दुर्गा को अपने पास बुलाने की कोशिश करता है। दुर्गा गुस्सा हो जाती है और पंडित पर चिल्लाने लगती है कि आप भगवान के सामने खड़े होकर गंदी गंदी चीज़ें कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती, मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगी। तब रंगीला बताता है कि वो स्पेशल फोर्स है और वो उसे एक मिशन देना चाहता है कॉमन मैन का, और वो जानता है कि दुर्गा एक स्पेशल एजेंट है। ये सब सुनकर दुर्गा तो डरने लगती है और वो कहती है कि मैं कोई मिशन नहीं करने वाली, 7 दिन में मेरे बेटे का यूनिट टेस्ट है, और वो वहाँ से चली जाती है। घर आकर वो एक सीक्रेट बॉक्स खोलती है जिसके अंदर स्पेशल फोर्स का फोन और बंदूक होता है। इसके बाद हम अजय को देखते हैं, उसकी माँ की तबीयत खराब होती है और एक फीमेल डॉक्टर अजय की माँ का चेकअप करने के लिए आती है, और वो डॉक्टर बताती है कि वो कुछ दिन यहाँ नहीं रहने वाली, वो गांव जाकर कुछ अंडर प्रिविलेज बच्चियों को फ्री में पढ़ाने वाली है। अजय डॉक्टर को बाहर लेकर जाता है तो वो डॉक्टर से कहता है कि जब भी कोई औरत वुमेन एम्पावरमेंट या लड़कियों को आगे बढ़ाने की बात करती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। ये सुनकर डॉक्टर डरने लगती है। अजय उसे फ़ोन मांगता है उसका वीडियो बनाने के लिए और उसे मार देता है। अगले दिन दुर्गा के घर एक औरत आती है, आयशा, जो काम के वजह से कोलकाता में शिफ्ट हुई है और दुर्गा के पास वाले गांगुली अंकल के घर में रहती है। वो कोलकाता गर्ल्स कॉलेज में प्रोफेसर है। फिर वो दुर्गा के पति देव के साथ मीठी मीठी बातें करती है और उसे घर के सामान को शिफ्ट करने के लिए उसे मनवा लेती है। जब दुर्गा अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाती है तभी वहाँ रिक्शा वाले के भेस में चीफ रंगीला दुर्गा से मिलने आता है और उसे मिशन में शामिल होने के लिए रिक्वेस्ट करता है। लेकिन दुर्गा कहती है कि स्पेशल फोर्स ने मेरे लिए किया ही क्या है, मैं क्यों मिशन में जाऊँ, उन्होंने मेरी शादी करवा दी और इतने सालों तक मैं अपने सास और अपने पति पर शक करते रही। तब चीफ उसे बताता है कि जिस साल दुर्गा की पोस्टिंग हुई थी तब ऑफिस में आग लग गया था और रिकॉर्ड्स इधर से उधर हो गए और पेपर से वापस कंप्यूटर में दुर्गा का नाम एंट्री नहीं हुआ। ये सुनकर दुर्गा और भड़क जाती है और कहती है, आप लोगों की गलती की वजह से मेरी पूरी लाइफ ऊपर नीचे हो गई, दोबारा मुझे मत दिखना। लोन कंपनी में काम करने वाले एक आदमी अक्षय को देखते हैं जो भी कॉमन मैन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, और वो अपने किसी ही साथी को कॉल करता है और कहता है विक्टोरिया मेमोरियल में एक पार्सल आने वाला है जिसे पिक करना होगा। दुर्गा जो बस में होती है उसे फिर से चीफ रंगीला मिलता है जो उसे कॉमन मैन का वीडियो दिखाता है और बताता है कि हमारे सारे एजेंट्स मारे गए हैं, सिर्फ तुम जिंदा हो। लेकिन दुर्गा को खुद पर भरोसा नहीं है कि वो मिशन कंप्लीट कर पाएगी कि नहीं। एजेंट जीत जिसे मार दिया गया था वो कॉमन मैन ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा था, और उसके मोबाइल पर मैसेज आता है विक्टोरिया मेमोरियल पर एक पैकेज को पिक किया जाएगा, जो स्पेशल फोर्स को पता चल जाता है। दुर्गा को फिर से चीफ रंगीला मिलता है लेकिन दुर्गा उसे समझा देती है कि वो मिशन नहीं करने वाली, वो अनाथ थी और वो 18 साल की थी जब वो स्पेशल फोर्स ज्वाइन की थी, और अंडरकवर जाने के लिए उसे शादी करना पड़ा, लेकिन शादी करके उसे उसका फैमिली मिल गया और अब वो एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ है और अब वो इसे दांव पर नहीं लगा सकती। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। शाम को जब दुर्गा और देव रेस्टोरेंट जाते हैं तो वेटर बनकर चीफ रंगीला फिर उनके पास आता है। दुर्गा अपना मुँह छिपा लेती है तो वहीं देव उसे पहचानने लगता है कि वो उसे कहीं तो देखा है। रंगीला देव से कहता है कि आप तो बड़े बिजनेसमैन हैं, आपको कौन नहीं पहचानता, और वो पूछता है आपकी वाइफ क्या करती है। देव कहता है ये हाउसवाइफ है, जिस पर रंगीला दुर्गा की तारीफ करने लगता है ये कहकर कि हाउसवाइफ एक दिन के लिए भी छुट्टी ले ले तो फैमिली में सब कुछ बिखर जाता है। आधी रात में दुर्गा टीवी पर न्यूज़ देख रही होती है कि एक औरत की लाश मिली है जो एक टीचर थी, वो उसके बेटे के स्कूल में पढ़ाती थी और ये कॉमन मैन का करना है। तभी वहाँ उसकी सास आती है और पूछती है कि तुम आधी रात में टीवी क्यों देख रही हो। दुर्गा उसे बताती है कि उसके बेटे के स्कूल की टीचर मर गई है, उसे कॉमन मैन ने मार दिया, और उसे अब अपने बेटे को लेकर टेंशन हो रही है, जिस पर उसकी सास उसे कहती है कि जॉय को कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जब तक कॉमन मैन जैसे लोग जिंदा हैं कोई ना कोई औरत तो मरेगी ही। और उसकी सास सोचती है कि अगर वो पुलिस में या फिर स्पेशल एजेंट होती तो वो 2 दिन के अंदर ही कॉमन मैन को पकड़वा कर उसे जेल के अंदर भिजवा देती, लेकिन किस्मत देखो वो एक हाउसवाइफ है। तब जाकर दुर्गा का दिमाग खुलता है। अगले दिन वो मंदिर में खुद जाकर चीफ रंगीला से मिलती है
और मिशन के लिए मान जाती है। वो चाहती है कि वो पहले ट्रेनिंग ले, लेकिन ट्रेनिंग करने से दुर्गा की आइडेंटिटी बाहर आ जाएगी, जो सेफ नहीं होगा। रंगीला उसे एक फ़ोन देता है और कहता है कि मैं इसी फ़ोन से तुम्हें कांटेक्ट करूंगा, और उसे बता देता है कि आज रात 8:30 बजे विक्टोरिया मेमोरियल से एक पैकेट पिक होने वाला है, और वो चाहता है कि दुर्गा बस ट्रैक करके उन्हें खबर दे। अब जैसे ही रात के 8:30 बजते हैं, वो अपने पति को लेकर विक्टोरिया मेमोरियल पहुंचती है नाइट वॉक करने के बहाने। वहां दुर्गा एक आदमी को देखती है जो दूसरे आदमी को एक पैकेट थमा देता है। जिस लड़के के पास पैकेट है, दुर्गा उसके पीछे पीछे जाने लगती है, और देव को समझ में ही नहीं आता कि आखिर वो जा कह रहे हैं। और दुर्गा उस आदमी को कोलकाता गर्ल्स कॉलेज के अंदर जाते हुए देखती है। ये बात वो अपने चीफ रंगीला को बता देती है। रंगीला उसे डांटता है कि तुम मिशन पर अपने पति को लेकर गई थी, फिर से दोबारा ये मत करना, और कल शाम उसे मिलने के लिए कहता है। अब जैसा कहा गया था, दुर्गा वैसा करती है। वो चीफ से मिलने जाती है और चीफ उसे अपने टीम से मिलाता है, प्रबल, काजल और रॉय। चीफ दुर्गा को बताता है कि कॉमन मैन कुछ तो बड़ा करने वाला है, और ये भी पता चला कि कोलकाता गर्ल्स कॉलेज में साल में एक बार वुमेन एम्पावरमेंट का एक इवेंट होता है, जिसके लिए ज़्यादातर हाउसवाइफ पार्टिसिपेट करती हैं। और चीफ ने दुर्गा का नाम दे दिया है, लेकिन वो घबराते हुए कहती है कि मेरा पति मानेगा नहीं। और सही में देव ये सुनकर गुस्सा हो जाता है, और वो अपनी पत्नी से कह देता है कि तुम घर पर काम करो, तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तुमने कभी बाहर काम किया भी है? ये देखकर देव की माँ अपने बेटे से मिलने के लिए उसके दुकान जाती है, और देव अपनी माँ को दुकान में देखकर चौंक जाता है और उसे पूछता है कि आपको बाबा ने यहाँ आने कैसे दिया। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे पापा मेरे मालिक थोड़ी हैं, वो मेरे पति हैं, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, तुम्हारे पापा तो बस मुझे सपोर्ट करते हैं। बदले में पत्नियाँ तो बस इतना ही चाहती हैं कि उनके पति उन्हें सपोर्ट करे। ये सुनकर देव को बहुत बुरा लगता है कि उसने दुर्गा को जो कहा वो सही नहीं था, और उसकी माँ देव को बता देती है कि दुर्गा वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम के लिए जाने वाली है और मैंने हाँ कर दिया है। कॉलेज जाने के लिए दुर्गा एक टैक्सी लेती है, और वो टैक्सी ड्राइवर भी अंडरकवर होता है, जो दुर्गा को एक लेंस देता है जिससे वो जो कुछ भी देख रही है वो रिकॉर्ड होगा, और उसे एक गन देता है। दुर्गा गर्ल्स कॉलेज में जाती है, और वो एंटर करते ही विजय से टकराती है। दुर्गा के आंख में लगे लेंस से स्पेशल फोर्स सब कुछ देख रहे होते हैं। कॉलेज के अंदर दुर्गा अपने पड़ोसी आयशा से मिलती है। अब फाइनली प्रोग्राम शुरू होता है, जिसे दो लोग कंडक्ट कर रहे होते हैं, अजय और आदित्य, और इस प्रोग्राम के लिए बहुत सारी औरतें भी आई होती हैं। फिर औरतें अपना अपना इंट्रोडक्शन देती हैं। आज के प्रोग्राम के बाद दुर्गा जाती है पानीपुरी खाने के लिए, और बेचने वाला कोई और नहीं बल्कि चीफ रंगीला है। दुर्गा उसे बताती है कि प्रोग्राम में उसे सब कुछ ठीक ठाक लगा, लेकिन आदित्य नाम का जो लड़का था उसे ट्रैक करने की ज़रूरत है। एक दिन वो अपने पड़ोसी आयशा को देखती है, जो कहीं जा रही होती है। आयशा उसे बताती है कि वो अपने नानी से मिलने के लिए जा रही है, और वो काफ़ी हड़बड़ा रही होती है। दुर्गा आदित्य पर नज़र रखती है और उसे हर जगह फॉलो करती है, और वॉशरूम से वो उसे बात करते हुए सुनती है कि आदित्य किसी से बाजार में मिलने वाला है आज शाम 6 बजे। चीफ दुर्गा को कहता है कि मिशन में अगर जाना है तो अकेले ही जाना, लेकिन दुर्गा फिर भी अपने सास को लेकर कुमार टोली पहुंचती है। वहां उसकी सास एक ठेले के पास रुकती है सिगरेट पीने के लिए। दुर्गा ये देखकर चौंक जाती है कि आप कब से सिगरेट पीने लगी, और वो दुकानदार से कहती है कि इनका ख्याल रखना, मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। दुर्गा बाजार में घूमने लगती है आदित्य को ढूंढने के लिए, तो वहीं आदित्य मनाली मनाली बड़बड़ाते हुए अपने साथी को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर दुर्गा की सास उसके पास जाती है और उसे पूछती है कि आप कितने में हॉलीडे पैकेज बेच रहे हो। तभी वहाँ पर दो लोग आते हैं और आदित्य से ड्रग्स लेते हैं। ये देखकर दुर्गा की सास आदित्य को पीटने लगती है, और चिल्लाने की आवाज़ सुनकर दुर्गा वहाँ पहुँचती है, और स्पेशल फोर्स भी आदित्य को पकड़ लेते हैं। स्पेशल फोर्स आदित्य से पूछते हैं क्या तुम ही हो कॉमन मैन, लेकिन वो कहता है कि मैं कॉमन मैन नहीं हूँ, मैं भी ये पता लगाना चाहता हूँ कि वो कौन है, और बताता है कि वो असली में एक पुलिस ऑफिसर है। इसके अगले दिन वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम में अजय आकर सभी औरतों को बताता है कि आखिरी दिन में CM चीफ गेस्ट बनकर आने वाली हैं। ये जानकर दुर्गा चीफ को कॉल करती है और बताती है कि उसे लगता है कि कॉमन मैन शायद चीफ मिनिस्टर को टारगेट बनाने वाला है। ये जानकर रंगीला चीफ मिनिस्टर से मिलने जाता है, लेकिन चीफ मिनिस्टर रंगीला से कह देती है कि मुझे तो ऐसे थ्रेट्स आते रहते हैं, और वैसे भी अगर उस दिन कॉमन मैन वही होने वाला है तो आप जाकर उसे पकड़ लीजिए। रंगीला दुर्गा से कहता है कि आदित्य को लेकर मुझसे मिलने आने के लिए, और दुर्गा के काम से देव परेशान हो गया है और कहता है कि अगर तुम बाहर जाओगी तो घर का काम कौन करेगा। तभी दुर्गा का बेटा जॉय अपने पापा का फोन चुरा लेता है गेम खेलने के लिए। जब दुर्गा अपने बेटे से फोन लेती है तो उसे पता चलता है कि देव और आयशा का अफेयर चल रहा है। देव फोन लेकर चला जाता है और दुर्गा शॉक में वहीं खड़े रहती है। फिर वो 2 दिन से अपने वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम के लिए नहीं जाती,
ये बात आदित्य को पता चलता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आयशा कॉमन मैन यानी कि अजय के साथ मिली हुई है और वो बस ये श्योर करना चाहती है कि देव स्पेशल एजेंट तो नहीं है, जिस पर अजय कहता है कि अगर तुम्हें शक है तो उसे मार दो, लेकिन ऐसा दिखना चाहिए कि ये एक्सीडेंट है। अजय अपनी माँ के साथ बैठकर कॉमन मैन का न्यूज़ देख रहा होता है। वो अपनी माँ से पूछता है कि अगर कॉमन मैन आपके सामने आ गया तो आप क्या करेंगी। उसकी माँ कहती है कि उसे थप्पड़ लगाऊंगी और उसे अरेस्ट करवा दूंगी। अगले दिन मछली बेचने के बहाने चीफ और प्रबल दुर्गा के घर आते हैं और दुर्गा उन्हें देखकर कहती है कि अब मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी, जब से मैंने काम करना शुरू किया है मेरे घर की हालत खराब हो गई है, और ये भी बताती है कि उसके पति का अफेयर चल रहा है, जिस पर चीफ उसे कहता है कि जाने दो, वैसे भी वो तुम्हारा पति थोड़ी है, ये सब तो कवर है। दुर्गा गुस्सा हो जाती है और कहती है हाँ मेरी तो पूरी जिंदगी ही कवर है। वो ये सब से थक चुकी है, लेकिन चीफ उसे एक सवाल पूछता है, क्या तुम अपने पति को देश से ऊपर मानती हो, और उसे हिम्मत देता है ये कहकर कि तुम्हारा नाम दुर्गा है, तुम चाहो तो कुछ भी कर सकती हो। वो मिशन में रहने के लिए मान जाती है, लेकिन बदले में एक मदद मांगती है, और चीफ की मदद से देव और आयशा क्या क्या बातें करते हैं दुर्गा अपने फोन में देख पाती है। प्रोग्राम में दो लड़कियों से दुर्गा को पता चलता है कि अजय की माँ की मौत हो गई है, वो बाथरूम में फिसल गई थी। मैसेज में दुर्गा देखती है कि आयशा और देव मिलने वाले हैं। दुर्गा अपने पति के पीछे जाती है और देखती है कि आयशा देव को मरवाना चाहती है। ये देखकर वो अपने हस्बैंड को अपने गाड़ी में बैठने के लिए बोलती है। देव पहले तो शॉक्ड हो जाता है कि उसकी बीवी गाड़ी कैसे चला पा रही है। अजय के लोग उनके पीछे होते हैं। दुर्गा अपने पति को कबूल करने को बोलती है कि उसका और आयशा का अफेयर चल रहा है, लेकिन देव एक बेशरम की तरह कबूल नहीं करता, इसलिए दुर्गा गाड़ी रोक देती है और वो गुंडे देव को पकड़कर पीटने लगते हैं। दुर्गा के दिल को थोड़ा सा सुकून मिलता है, जिसके बाद वो सारे गुंडों को खुद पीटने लगती है, जिसे देखकर देव का मुंह खुला का खुला रह जाता है कि उसकी भोली भाली पत्नी सही में दुर्गा बन गई। दुर्गा एक घायल आदमी को बोलती है अपने बॉस को फोन लगाने के लिए और बोल देने के लिए कि देव मर चुका है। स्पेशल फोर्स की टीम देव को पकड़ लेती है और उसे मारने वाली होती है, क्योंकि उसे सब कुछ पता जो चल गया है, लेकिन दुर्गा मना करती है और वो अपने पति के ऊपर पूरी भड़ास निकालती है कि तुम मुझे हर वक्त ताना मारते थे और तुम्हारा अफेयर चल रहा था, आज अगर मैं नहीं होती तो तुम मर गए होते। मर्द लोगों की यही प्रॉब्लम होती है, जान चली जाए लेकिन ईगो नहीं जाता, कि आयशा देव को मारना क्यों चाहती थी। दुर्गा कहती है कि शायद उन्हें लगा होगा आप लोगों की तरह कि औरत तो स्पेशल एजेंट हो ही नहीं सकती, इसीलिए जरूर देव होगा। फाइनल दिन के लिए दुर्गा और बाकी औरतें डांस प्रैक्टिस कर रही होती है और अजय उन्हें आकर बताता है कि डांस करने समय उन्हें त्रिशूल को ब्लॉक्स में लगाने होंगे। फिर दुर्गा कॉलेज में उसी लड़के को देखती है पैकेज लाते हुए, जिसे वो उस रात विक्टोरिया मेमोरियल से फॉलो कर रही थी। वो एक कमरे में जाती है जहां बहुत सारे पैकेज रखे हुए थे। वो एक पैकेज को खोल रही होती है, तभी वहां आयशा आ जाती है। दुर्गा उसे झूठ बोलती है कि वो यहां कॉस्ट्यूम देखने के लिए आई थी, क्योंकि कल फिनाले है ना, इसीलिए। लेकिन आयशा को शक हो जाता है, इसीलिए वो उस रात जाती है दुर्गा के घर उसे मारने के लिए, लेकिन दुर्गा और आयशा के बीच फाइट हो जाता है और दुर्गा आयशा के सिर के बीचों बीच गोली मारकर उसे मार देती है। स्पेशल फोर्स को आयशा के फोन से कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन अब दुर्गा को डर है कि आयशा की मौत की खबर सुनकर कॉमन मैन को दुर्गा पर शक हो जाएगा, लेकिन स्पेशल फोर्स ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये एक एक्सीडेंट था। फाइनली वो दिन आ जाता है जब वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम का फिनाले होता है। चीफ मिनिस्टर एस चीफ गेस्ट कॉलेज में आती हैं और स्पेशल फोर्स और पुलिस की टीम चौकन्ना होकर खड़ी रहती हैं कॉमन मैन को पकड़ने के लिए। जब दुर्गा और बाकी औरतों का डांस शुरू होता है तो दुर्गा ऑडियंस में बैठे अजय को देखती है, जो काफी टेंशन में लग रहा होता है। वो अपना कोट उतार देता है और दुर्गा उसके हाथ में एक मस्सा देखती है, जिसे देखकर उसे समझ आता है कि वही कॉमन मैन है, और वो जल्दी से बैक स्टेज जाकर चीफ को फोन करती है और बताती है कि ब्लॉक्स में बॉम्ब रखा हुआ है, जिससे पूरा ऑडिटोरियम उड़ जाएगा। लेकिन चीफ जो ऑडिटोरियम में बैठा हुआ है उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। डांस चल रहा होता है और डांसर्स कभी भी ब्लॉक्स में त्रिशूल घुसा देंगे, जिससे ब्लास्ट हो जाएगा, इसीलिए जल्दी जल्दी दुर्गा बॉम्ब को ढूंढती है और किसी तरह वो बॉम्ब को डिफ्यूज कर भी देती है। वो चीफ को फोन करती है और कहती है ऑडिटोरियम से सबको बाहर निकालने के लिए और फटाफट अजय को अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि वही कॉमन मैन है। सभी ऑडिटोरियम के बाहर निकलते हैं और चीफ मिनिस्टर के कहने पर अजय को अरेस्ट किया जाता है, लेकिन अजय कहता है कि उन लोगों के पास कोई ठोस प्रूफ नहीं है कि वही कॉमन मैन है, सिर्फ हाथ पर बने एक मार्क से कुछ प्रूफ नहीं होता। दुर्गा सभी को जाने को बोलती है और सभी के जाने के बाद वो अजय से उसका फोन मांगती है और जबरदस्ती लेने की कोशिश करती है। तब जाकर अजय को गुस्सा आता है और वो दुर्गा को थप्पड़ लगाता है। दोनों के बीच एक लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन दुर्गा एक स्पेशल फोर्स एजेंट है और वो आसानी से अजय की पिटाई करती है, जैसे उसने सभी औरतों को मारा था मरने से पहले।
उसके बाद वो उसका वीडियो बनाती है और अगले दिन दिखाया जाता है कि कॉमन मैन का अब अंत हो चुका है। दुर्गा से उसका पति देव माफी मांगता है और दुर्गा उसे कह देती है कि हाउसवाइफ होने का तुम मेरा कभी मजाक मत उड़ाना, मैं पूरे घर को संभालती हूँ। देव वादा करता है कि वो कोई और अफेयर नहीं करेगा। दुर्गा अपने चीफ के पास जाती है और रंगीला दुर्गा पर बहुत गर्व करता है कि एक हाउसवाइफ ने प्रूव कर दिया कि वो मामूली नहीं होती। लेकिन अब दुर्गा को अपना कवर चेंज करना होगा क्योंकि सबको पता चल चुका है कि वो स्पेशल एजेंट है और इसीलिए उसे खतरा हो सकता है। लेकिन दुर्गा अपने परिवार को छोड़ नहीं सकती, लेकिन चीफ उसे कहता है कि यह मिशन खत्म हो गया है तो तुम्हें कवर चेंज करना होगा, जिस पर वो ना चाहते हुए भी मान जाती है। और अपना अगला कवर देखने के लिए वो एनवेलप खोलती है और उसमें लिखा होता है टू बी कंटिन्यूड। और इसी के साथ मिसेस अंडरकवर मूवी यहीं एंड होती है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मूवीज़ और टीवी सीरीज एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।